हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विशाल और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फंक्शन की के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फंक्शन की जो कि हमारे कीबोर्ड में होता है F1 से लेके F12 तक, इन फंक्शन की का क्या यूज़ होता है, ये हमारे किस काम आता है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको फुल एक्सप्लेन करने वाला हूँ फंक्शन की के बारे में F1 से लेके F12 तक। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट की है F1। F1 का क्या यूज़ होता है? F1 बेसिकली हेल्प सेंटर के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे MS Word को ओपन कर दिया और मैं यहाँ पे F1 प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे गाइस हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा। आपको MS Word से रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उसका सलूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर रखा है, आप यहाँ पे F1 प्रेस करते हैं तो आपको क्रोम से रिलेटेड हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे F1 प्रेस कर दिया तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गूगल क्रोम हेल्प का टैब ओपन हो चुका है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है हाउ कैन वी हेल्प यू, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। आपको क्रोम से रिलेटेड जो कुछ भी सर्च करना है आपको यहाँ पे उसका सलूशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं फंक्शन की F2 की। F2 का बेसिकली क्या यूज़ होता है? F2 गाइस, F2 से आप अपने फाइल या फोल्डर को आप रीनेम कर सकते हैं, किसी भी फाइल या फोल्डर को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मेरा ये फोल्डर है न्यू फोल्डर, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर मैं F2 प्रेस करूँगा तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एडिट का ऑप्शन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप कुछ भी नाम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर लेते हैं तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो हमारा फोल्डर है वो रीनेम हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे रीनेम हो चुका है। आप F2 से अपना फाइल फोल्डर कुछ भी रीनेम कर सकते हैं। गाइस, अब बात करते हैं फंक्शन की F3 की। F3 का क्या यूज़ होता है? F3 बेसिकली, यहाँ पे हम MS Word को ओपन कर लेते हैं और F3 का यहाँ पे यूज़ होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लिया, इतना पोर्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे F3 का यूज़ आपको शिफ्ट के साथ करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेस किया शिफ्ट प्लस F3, तो गाइस जितना पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया था वो सारे अपर केस में बदल चुके हैं। अब मैं दोबारा यहाँ पे शिफ्ट प्रेस F3 करता हूँ, शिफ्ट प्लस F3, तो गाइस आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिए, ये सारा जो पोर्शन मैंने सेलेक्ट किया हुआ था वो सारे स्मॉल लेटर में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुके हैं। अब मैं दोबारा से यहाँ पे शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करता हूँ तो ये सेंटेंस वाइज कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली F3 का यूज़ होता है अपने लेटर को अपर केस या स्मॉल या फिर सेंटेंस में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ पे आप F3 का यूज़ कर सकते हैं शिफ्ट के साथ। गाइस, अब हम बात करते हैं फंक्शन की F4। F4 का क्या यूज़ होता है? F4 का गाइस, अगर आप यहाँ पे सिंपली F4 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी वर्क नहीं करेगा, आपको F4 का यूज़ अल्ट के साथ करना होगा। तो गाइस यहाँ पे हम F4 का यूज़ करते हैं प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर लिया MS Word को। अब जैसे कि मुझे ये क्लोज करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस पे जाते हैं, हम माउस से यहाँ पे जाते हैं रेड वाले क्रॉस वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो गाइस इसे हम बिना माउस की मदद से भी क्लोज कर सकते हैं। हम यहाँ पे प्रेस करेंगे अल्ट प्लस F4। तो गाइस देखिए, यहाँ पे क्लोज करने का ऑप्शन आ चुका है। ये आपसे पूछ रहा है आपको ये फाइल सेव करनी है या नहीं। आपको एरो बटन यूज़ करना है, यहाँ पे डोंट सेव पे क्लिक करना है और एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। और भी इसके, अगर जैसे मुझे क्रोम ब्राउज़र को क्लोज करना है तो मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा अल्ट प्लस F4। तो गाइस देखिए, ये क्लोज हो चुका है। अब जब आपके विंडो में कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं होगा उसके बाद आप अगर अल्ट F4 प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन दिखता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेस किया अल्ट प्लस F4। तो गाइस देखिए, यहाँ पे अब आपसे बोल रहा है सिस्टम को शट डाउन करने के लिए, या फिर आप अपने सिस्टम को यहाँ से रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गाइस यहाँ पे हम F4 का यूज़ अल्ट के साथ करते हैं। अल्ट के साथ आप F4 यूज़ करेंगे तो आप किसी भी प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं और उसके बाद आप अपने सिस्टम को शट डाउन या फिर रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। और गाइस, अब बात करते हैं फंक्शन की F5 की। F5 का बेसिकली यूज़ क्या होता है? सारे लोग जानते हैं F5 से हम रिफ्रेश करते हैं। F5 से जैसे कि हम यहाँ पे F5 प्रेस करते हैं तो हमारा जो डेस्कटॉप पे आइकन आपको दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये ब्लिंक करने लगेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस किया F5, तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो मेरे आइकन्स हैं वो सारे ब्लिंक कर रहे हैं, यहाँ पे रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली F5 का यूज़ होता है रिफ्रेश करने के लिए। गाइस F5 का यूज़ हम पावर पॉइंट में भी करते हैं अपनी स्लाइड को शो करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट ओपन कर लिया, मैंने यहाँ पे दो स्लाइड बनाई है समझाने के लिए, मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया F5, ठीक है। तो ये जो स्लाइड है वो फुल स्क्रीन में शो हो जाएगी। मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया F5, तो गाइस देखिए यहाँ पे जो मेरी स्लाइड है वो यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन में शो हो रही है। आपको नेविगेशन की यूज़ करनी है, एरो बटन आपको प्रेस करना है, आपने जितनी भी स्लाइड बनाई है वो आपको नीचे शो हो जाएंगी, ठीक है।
तो बेसिकली यहाँ पे इसका यूज पावरपॉइंट में भी होता है F5 का यूज हम यहाँ पे करते हैं स्लाइड को शो करने के लिए। और गाइस इसके बाद अब बात करते हैं फंक्शन की F6 का क्या यूज होता है। F6 का यूज हम करते हैं अपने क्रोम के एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया। अब यहाँ पे मैं जैसे ही F6 प्रेस करूंगा तो हमारा जो एड्रेस बार है क्रोम का वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने F6 प्रेस किया तो गाइस देखिए हमारा जो एड्रेस बार है क्रोम का वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे जो चीज़ सर्च करनी है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, उसके बाद आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो बेसिकली F6 का यूज़ होता है क्रोम के एड्रेस बार को हाईलाइट करने के लिए। गाइस इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन की F7 की। F7 का क्या यूज़ होता है इसे हम MS Word में जानेंगे। इसका यूज़ बेसिकली होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। यहाँ पे जैसे हमने हमारा ये यहाँ पे टेक्स्ट हमने टाइप किया हुआ है तो यहाँ पे हमारा जो आपको ये रेड एरर दिख रहा है इसको हम F7 की मदद से इसे सही कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली F7 का यूज़ होता है स्पेलिंग एरर को चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे F7 प्रेस कर लिया तो गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्पेलिंग एंड ग्रामर इंग्लिश का जो टैब है यहाँ पे ओपन हो चुका है स्पेलिंग चेकिंग का। तो गाइस यहाँ पे आपको इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जो फॉर्मेटिंग की स्पेलिंग है वो यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे इसने एरर शो कर दिया है। तो ये आपको बोल रहा है कि आप अपनी फॉर्मेटिंग की स्पेलिंग सही कर लीजिए। आपको नीचे ये सजेस्ट कर रहा है फॉर्मेटिंग, ठीक है, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद यहाँ चेंज पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आपकी जो फॉर्मेटिंग की स्पेलिंग है वो अब यहाँ पे सही हो चुकी है। अब इसने दूसरा टेक्स्ट उठा लिया है डॉक्यूमेंट, यहाँ पे डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग भी गलत है तो यहाँ पे इसने भी इसको हाईलाइट कर दिया है। तो ये अब आपसे बोल रहा है डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग सही करने के लिए। तो अब आपको सिंपली इस पर सिलेक्ट करना है और उसके बाद चेंज कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आपका जितने भी एरर्स होंगे ना, जितने भी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो यहाँ पे सारी शो कर देगा आपको। आप यहाँ से अपनी स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। गाइस अब बात करते हैं फंक्शन की F8। F8 की का क्या यूज़ होता है। बेसिकली F8 की का यूज़ करते हैं हम रिबूट करने के लिए, अपने सिस्टम को रिबूट करने के लिए या फिर सेफ मोड को ओपन करने के लिए। और गाइस मैं यहाँ पे आपको F8 की का एक और यूज़ बताता हूँ एक्सेल में। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक्सेल ओपन कर लिया, ये मैंने छोटा सा डेटा प्रिपेयर किया है। अभी मैं यहाँ पे नेविगेशन की से, जो हमारी नेविगेशन की होती है अप एंड डाउन राइट एंड लेफ्ट, उससे मैं यहाँ पे कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे F8 प्रेस करता हूँ, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको छोड़ दिया और यहाँ पे अगर मैं F8 प्रेस करता हूँ तो ये सेल मेरा यहाँ पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पे प्रेस किया F8। ठीक है, मैंने यहाँ पे F8 प्रेस कर दिया। अब गाइस ये जो हमारा सेल है ये लॉक हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एरो कीज यूज़ करता हूँ तो गाइस देखिए यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप इसे अप एंड डाउन जैसे करेंगे ये वैसे सिलेक्ट करता जाएगा। हमारी सेल थी F8 से वो वहाँ पे लॉक हो चुकी है 76 पे, इसी वजह से ये सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब दोबारा मैं F8 यहाँ पे प्रेस करूँगा तो ये अनलॉक हो जाएगी और उसके बाद मैं जब नेविगेशन की यूज़ करूँगा यहाँ पे एरो कीज तो ये गाइस मूव करने लगेगा जैसे कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज़ होता है यहाँ पे एक्सेल में किसी भी सेल को लॉक करने के लिए। गाइस अब बात करते हैं फंक्शन की F9 का। F9 का क्या यूज़ होता है यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ MS Word में। F9 फॉर एग्जांपल जैसे हमारा ये यहाँ पे डेटा है इसको हमें सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से कोई टेक्स्ट सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, इस डिज़ाइन को मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब हम F9 का यूज़ करेंगे तो गाइस यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा Ctrl+F9। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करूँगा ये डिज़ाइन को कर्ली ब्रैकेट में बंद कर देगा। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे प्रेस किया, यहाँ पे कंट्रोल के साथ मैंने यहाँ पे F9 प्रेस कर दिया। ठीक है, तो गाइस देखिए यहाँ पे जो हमारा कर्ली ब्रैकेट है वो यहाँ पे आ चुका है और यहाँ पे हमारा जो डिज़ाइन है वो इस ब्रैकेट के अंदर आ चुका है। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपको कर्ली ब्रैकेट कहाँ से कहाँ तक लगाना है। फॉर एग्जांपल मैंने यू से लेके यहाँ से लेके और यहाँ तक मैंने इसको कर दिया। ठीक है, यहाँ तक मैंने ब्लॉक्स तक यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा कंट्रोल के साथ F9 प्रेस करूँगा तो गाइस देखिए यहाँ पे भी कर्ली ब्रैकेट आ चुका है जैसे कि आपको दिख रहा है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन हो चुका, आपने जितना टेक्स्ट सेलेक्ट किया था उसके बाहर साइड से कर्ली ब्रैकेट लग चुके हैं। ठीक है, तो बेसिकली इसका यूज़ होता है यहाँ पे F9 का कर्ली ब्रैकेट को यूज़ करने के लिए MS Word में। गाइस अब बात करते हैं फंक्शन की F10। F10 की का क्या यूज़ होता है। तो गाइस आपको जो यहाँ पे F10 का यूज़ करना होगा वो शिफ्ट के साथ करना होगा, बिना शिफ्ट के ये वर्क नहीं करता है। तो आपको यहाँ पे जैसे हम माउस से राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया तो ये जो ऑप्शन ओपन हो जाते हैं राइट क्लिक करने के बाद, वो गाइस आप यहाँ पे F10 की मदद से भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, अब जो आपको यहाँ पे F10 की यूज़ करनी है वो शिफ्ट के साथ यूज़ करनी है। आपको यहाँ पे शिफ्ट की प्रेस करके रखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे F10 प्रेस कर देना है।
तो गाइस देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, जो कि हम बेसिकली राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। तो गाइस यहाँ पे शिफ्ट के साथ जब F10 आप प्रेस करेंगे किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए, तो आपको ये राइट क्लिक वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। गाइस F10 का एक और यूज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे MS Word ओपन कर लिया। अब जैसे कि मुझे बिना माउस की मदद से कोई भी फंक्शन यहाँ पे ओपन करना है, तो हम कैसे ओपन करेंगे? ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे F10 प्रेस करना होगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्रेस किया F10, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे शॉर्टकट आ चुका है, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे फाइल का। यहाँ पे अगर आपको फाइल को ओपन करना है तो आपको F प्रेस करना होगा, अगर होम को ओपन करना है तो H प्रेस करेंगे। अगर आपको इसमें से कोई सा भी टैब ओपन करना है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रेस करेंगे N। जैसे ही मैं यहाँ पे N प्रेस करूँगा तो मैं इंसर्ट पे चला जाऊँगा, और इंसर्ट में जितने सारे भी फंक्शंस हैं उस पर भी आपको यहाँ पे सारे अल्फ़ाबेट्स दिख रहे होंगे। आपको जो भी ओपन करना है आपको सिंपली उस अल्फ़ाबेट को प्रेस कर देना है, वो फंक्शन यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं F10 की को शॉर्टकट तरीके से यूज़ करने के लिए। अब बात करते हैं फंक्शन की F11 की। F11 की का क्या यूज़ होता है? F11 की का यूज़ हम करते हैं किसी भी प्रोग्राम को फुल स्क्रीन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, अब हम यहाँ पे इसको F11 प्रेस करेंगे तो हमारा जो ये क्रोम ब्राउज़र है वो फुल स्क्रीन में यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे फुल स्क्रीन में शो करेगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया F11, तो गाइस देखिए हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है वो यहाँ पे फुल स्क्रीन में शो कर रहा है। और यहाँ पे जैसे कि आपको अभी दिख रहा था प्रेस F11, अभी ये फुल स्क्रीन में है। अब आपको इसको दोबारा से नॉर्मल मोड में करना है तो आपको दोबारा F11 प्रेस करना है, तो ये जैसे था वैसे हो जाएगा। तो बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है स्क्रीन को फुल करने के लिए, फुल स्क्रीन करने के लिए। गाइस अब हम बात करते हैं फंक्शन की F12। F12 का क्या यूज़ है? बेसिकली F12 का यूज़ हम करते हैं सेव एज करने के लिए, किसी भी फाइल को सेव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सेल की फाइल ओपन कर ली, अब मुझे ये फाइल को सेव करना है। आप यहाँ पे कोई सी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, एक्सेल, MS Word, जो भी फाइल है आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली हम सेव एज करने के लिए क्या करते हैं, फाइल पे जाते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करते हैं। और आपको यहाँ पे माउस का यूज़ नहीं करना है, आपको सिंपली सेव एज का ऑप्शन लाना है। आपको यहाँ पे सिंपली प्रेस करना है F12 करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, जैसे कि आपको दिख रहा है। उसके बाद आप अपनी फाइल को कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। तो गाइस F12 का यूज़ होता है बेसिकली किसी भी फाइल को सेव एज करने के लिए, कहीं पे भी सेव करने के लिए। तो गाइस ये थे फंक्शन कीज जो मैंने आपको बता दिए F1 से लेके F12 तक। इन फंक्शन की का क्या यूज़ होता है हमारे कंप्यूटर में, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ख्याल रखिए अपना और अपनी फैमिली का। थैंक यू।